तो आज हम आपको बताएंगे दिसंबर माह में जन्मे बच्चे कैसे होते हैं, कैसा होता है उनका स्वभाव, क्या क्या उनमें गुण होते हैं। ऐसा माना जाता है दिसंबर का माह हेल्दी सीजन माना जाता है। तो स्वाभाविक रूप से दिसंबर माह में जन्मे हुए जो बच्चे हैं वो सेहत के मामले में स्वस्थ और ठीक रहते हैं। अब बात करते हैं कि उनमें विशेष गुण क्या होता है। तो दिसंबर माह में यदि बच्चा कोई जन्म लेता है तो वो बहुत समझदार होता है, स्थिति को समझकर ही ये बात करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, देखते नहीं कौन आया कौन बैठा है, लेकिन वो अपनी बातें करते रहते हैं अच्छी हो या बुरी। ये जो दिसंबर के महीने के बच्चे होते हैं वो स्थिति को देखते हुए बात करते हैं। दूसरा जो गुण इनमें ज़बरदस्त होता है, बड़ों के सामने कम बोलते हैं। अगर अपने से बड़ा है कोई तो उसके सामने कम बोलेंगे, ये विशेषता होती है दिसंबर माह में जन्मे हुए बच्चे की। तीसरी जो विशेषता है वो ज़बरदस्त है, अपनी गलती स्वयं मान लेते हैं। कोई गलती हो जाए और पूछा जाए तो सॉरी बोलने में झिझक नहीं करते, स्वयं मान लेते हैं। चौथी जो विशेषता है इनमें, मैं आठ विशेषता आपको बताने जा रहा हूँ, तो चौथी विशेषता जो है वो यह है कि अपने से छोटे के लिए भी इनके दिल में प्यार होता है, अपने से छोटे के लिए भी इनके दिल में बहुत प्यार होता है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे क्या होते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को देखेगा तो मारेगा कि ये कैसे जो है मेरा स्थान ले रहा है या इसे लोग क्यों प्यार कर रहे हैं, एक जलन की भावना होती। लेकिन दिसंबर के माह के बच्चे में ऐसी भावना नहीं होती, अपने से छोटा है उसके लिए वो भी खास होता है, उससे भी वो प्यार करता है। पांचवा जो बहुत विशेष गुण है, घर पर आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करता है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, माँ बाप बोलते हैं अरे अंकल आए हैं पैर छुओ, तो बहुत से बच्चे पैर नहीं छूते करके निकल जाते हैं। लेकिन इनमें संस्कार बहुत होता है, घर पर कोई भी व्यक्ति आ जाए उसका सम्मान करते हैं, नमस्कार करते हैं, तहजीब इनमें बहुत ज़बरदस्त होती है, प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं दिसंबर माह में जन्मे बच्चे। हाँ, जो छठवां विशेष गुण है, इन बच्चों में निष्पक्ष बात करने की आदत होती है। यह ऐसा नहीं कि मम्मी की साइड लेकर बोलेंगे या पापा की साइड लेकर बोलेंगे या बाबा की साइड लेकर बोलेंगे, दादी की नाना की नानी की किसी की साइड नहीं लेते, जो बात है निष्पक्ष बोलेंगे। यह विशेषता इन बच्चों में होती है, निर्दोष होते हैं। सातवां जो गुण है, अपनी बात से मुकरते नहीं। बोला तुमने ऐसा बोला, हाँ बोला, तुरंत एक्सेप्ट करते हैं, अपनी बातों से कभी मुकरते नहीं और जो बोल देंगे उतना करते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं। और आठवां जो विशेष गुण है, कोई भी व्यक्ति हो सबकी आज्ञाकारी होते हैं और हर बात मानने वाले। कहने का तात्पर्य यह है कि दिसंबर माह में जिन बच्चों का जन्म होता है वो बेहद समझदार होते हैं, इसीलिए भविष्य में जाकर ये आईएएस आईपीएस बड़े अधिकारी राजनेता बहुत समझदार व्यक्ति किसी भी चीज़ को बड़े मनन से ध्यान से सुनने का। धनुराश के लोग भी दिसंबर माह के ज़्यादातर जन्मे हुए लोग होते हैं, इसलिए जो है ये दिसंबर माह में धनुराश के लोगों का जन्म अगर हुआ है तो निश्चित मानकर चलें ये बहुत ही ऊंचे पद ऊंचे ओहदे पर आसीन होते हैं और जीवन में अपना अपने परिवार अपने समाज का कल्याण करते हैं, ऐसे लोग होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।